टूर्नामेंट का दूसरा दिन और ये दूसरा मैच, चार चार ओवर का हर मैच होगा। टॉस जीता निंगड़े ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। बिरवाड़े हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उनका यहाँ पहुंचने के लिए कि इतनी दूर से वो लोग आए यहाँ पे। निंगड़ी के कैप्टन से गुजारिश है कि अपने फील्डरों को सजाएं। दोनों बल्लेबाज बिरवाड़े की तरफ से ग्राउंड पे जा चुके हैं। किंजल भी उतने दूर से महार से तशरीफ लाए हैं, महार के करीब से। यकीनन वो हमारे यहाँ टूर्नामेंट में जब जब भी आए हैं उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है और शायद कि क्रिकेट को बेहतरीन खेल दिखाकर वो कामयाब होकर भी गए हैं हमारे यहाँ से। या तो उनसे भी गुजारिश है और उनसे भी उनके भी यहाँ आने का हम इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। पहला टूर्नामेंट जो हमारे बानकोट में हुआ था इस साल का, पिछले साल का, तो उसमें वो चैंपियन रही थी, फाइनल जीता था। बल्लेबाजी के लिए उसमें नॉन स्ट्राइक पे और अश्वाक नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। निंगड़ी की तरफ से फील्डिंग सजाई जा रही है। बिरवाड़े पहली मरतबा हमारे खेल रहे हैं। यकीनन जिस तरह से मंदनगढ़ ने खेल पेश किया था उनसे उम्मीद है कि वो भी एक बेहतरीन खेल पेश करें, इसलिए कि निंगड़ी की टीम भी उनके सामने जो है काफी ताकतवर और मजबूत टीम है। बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज निंगड़ी के पास भी है। इससे पहले मुकाबले में मंदनगढ़ और आराधी के दरमियान जो मुकाबला हुआ 32 रनों का एक छोटा हदफ बड़ी आसानी के साथ तीसरे ओवर में मंदनगढ़ ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया था। एक मरतबा फिर कल की तरह तेज हवाएं चल रही है। कमेंट्री बॉक्स में जो पीछे लड़के बैठे हुए रहते हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप बहुत जोर से चिल्ला के चीख कर या बड़े आवाज में बात न करें, इसलिए कि यहाँ लाइव प्रोग्राम जा रहा है और यहाँ फोन आते हैं बार बार कि आपके पीछे से ज्यादा आवाज आते रहती है। आती है। दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पे जा चुके हैं। देखें बॉलिंग के लिए किसको गेंदबाजी सौंपते हैं। 11:30 का जो ये राउंड शुरू होने वाला था आज 12:30 से भी ऊपर वक्त निकल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 5-5 ओवर का मैच खेला जाने वाला था सिर्फ टीमों को लेट आने की वजह से 4-4 ओवर का ये फैसला किया गया है। इस तरह मत किया कीजिएगा। जो भी टीमें हैं जिनको जो वक्त होता है वो 10-15 मिनट का फैसला इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक एक घंटा और दो दो घंटे के फर्क से अगर आप आइएगा तो यकीनन मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में कि क्या किया जाए। जो टीमों को बड़े मैचों को खेलने देखना चाहते हैं, खेलते देखना चाहते हैं, वो कम ओवर करने की वजह से वो मैच जिस तरह से होना चाहिए वो तरह की मैच होती नहीं। फिर यहाँ आपको बल्लेबाजों को मौका है, गेंदबाजों को बेहतरीन गेंदबाजी का मौका है, इसलिए कि अगर बल्लेबाज को बाजों की जन्नत है तो आपको मंदनगढ़ के दो बल्लेबाजों ने आज के पहले मैच में दिखा दिया। जिशान आए हैं निंगड़ी की तरफ से। स्ट्राइक पे नहीं है ना? नहीं, स्ट्राइक पे है। गेम शुरू होने जा रहा है। जिशान है बॉलर, तेज हवाएं चल रही है। देखना है बिरवाड़ी की टीम किस तरह का स्कोर देते है निंगड़ी को। 32 रनों का हदफ इससे पहले मिला था तो तीसरे ओवर में मुकम्मल कर लेता। अनवर अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं और इस मैच में नूरुल्ला वही दो अंपायर जो एक प्लेयर एक खिलाड़ी कम है शायद फील्डिंग के लिए किसी को बुला रहे हैं जा कोई। यहाँ जनरेटर चालू होता है उसकी वजह से आवाजें नहीं सही से समझ में आती है। और इब्राहिम गए हैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में फील्डिंग के लिए निंगड़ी की तरफ से।
शुरू होने जा रहा खेल। जिशा आने बॉलर गेंद करेंगे और ये पहली गेंद पर कॉन्फिडेंस देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है वन बाउंस के साथ। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई एक रन बना दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन फील्डिंग। कौन है फील्डर से फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे शाहजहां जनों ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की और यकीनन जो चौका हो सकता था उसको दो रन में तब्दील कर दिया। कॉन्फिडेंस से खेला था उन्होंने और उनको पूरा यकीन था कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकलेगी। इस बीच पहली गेंद पर दो रन हासिल हो गए। नहीं एक बार के बाद फिर जीशान का सामना करने को तैयार दौड़ना शुरू किया जीशान ने अंपायर को क्रॉस के विकेट में पहुंचे गेंद की हवा में गेंद कैच होने का खतरा हो सकता था और रन आउट का भी मौका है लेकिन मिस फील्डिंग हुई है। नतीजतन यकीनन इस बार रन आउट का खतरा जरूर था काफी दूर तक निकल आए थे नईम एक रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। जिशा ने बॉलर अपना पहला ओवर पहली गेंद पर जिस कॉन्फिडेंस से नईम ने शॉट खेला था यकीनन बड़े बल्लेबाजी की निशानी होती है ये जो भरोसा किया अपने आप पर उन्होंने और रिवर्स शॉट खेला था दो रन हासिल किए थे। जिशान गेंद करेंगे अच्छी गेंद जिशान की विकेट कीपर नहीं गेंद को ले पाए और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है नहीं रोक पाया कोई भी और ये गेंद फील्डर के पास से दूर बाउंड्री के बाहर निकल गई। बाई की सूरत में चार रन हासिल हो गए। बहुत अच्छी गेंद की थी बड़ी अच्छी गेंद थी नहीं रोक पाए विकेट कीपर निगड़ी के जो प्लेयर आए कमेंट्री बॉक्स में आए ये ओवर के मुकम्मल होने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। जिशा आने बॉलर गेंद कर रहे हैं अशफाक को बाई की सूरत में चार रन इससे पहली गेंद पर हासिल हो चुके हैं बहुत कीमती रन है। इस मरतबा खेला है देखना है गेंद के पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन मुश्किल है गेंद को रोकना और गेंद थोड़ा सा रखने में बाउंड्री लाइन पार कर गई चार कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ है। बेहतरीन शॉट था अशफाक से बल्ले से अशफाक के बल्ले से निकलने वाला पहले ओवर का खेल चल रहा है अपने आप पर काबू रखकर खेलना यह बहुत बड़ी निशानी है बड़े खिलाड़ी की जज्बात में बहकर अगर कोई गलत शॉट खेलते हैं तो यकीनन नतीजतन टीम को शिकस्त से दो चार हो जाना पड़ता है। ऐसे कई मैच देखने में आए जो आसानी के साथ जीते जा सकते थे लेकिन उस मैच में उस टीम ने फतह हासिल की जो यकीनन बैकफुट पर थी और हारने के बिल्कुल लगा रही थी ऐसा होता है लेकिन ये खेल ही ऐसा है कि इसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपने जज्बात को काबू में रखना होता है। गेंद करेंगे अच्छा शॉट पावर प्ले का ओवर चल रहा है मिस फील्डिंग हुई है नतीजतन दूसरे रन के लिए तेज कदमों से बुरे और दो रन अशफाक ने हासिल कर लिए। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के। नाइफ मोटर्स की तरफ से ये देखिए आपको नाइफ मोटर्स का बोर्ड दिख रहा होगा ये दाऊद भाई चरफे आपको किसी भी गाड़ी को खरीदना है या गाड़ी के ताल्लुक से कुछ जानकारी हासिल करना है तो दाऊद भाई चरफे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ मौजूद है आप उनसे वो मालूम कर सकते हैं या गाड़ी की बुकिंग चाहिए तो आपको दाऊद भाई चरफे से रब्ता करना होगा। इस तरह संजरी सोफा सेट नवीद इस्माइल उंडरे साहब उन्होंने भी अपनी खिदमात पेश की है और दाऊद भाई चरफरे ने भी अपनी खिदमात पेश की है इस टूर्नामेंट के लिए और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने भी नासिर भाई दादरकर और सोनी लाडू भाई बदरुद्दीन उंडरे और यूट्यूब के लाइव करने वाले कैमरामैन और उनके स्कोरर जो है उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और यूट्यूब के लिए बदरुद्दीन उंडरे ने काफी सपोर्ट किया है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और वाईफाई के लिए पूरा वक्त अपना दे रहे हैं लगातार इससे पहले टूर्नामेंट में भी और इसमें भी।
रिजवान पेड़कर साहब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। इस तरह मकसूद भाई ऊंडरे नजर नहीं आ रहे हैं। मकसूद भाई ऊंडरे अगर हमारे आवाज यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं तो वो यकीनन ग्राउंड पर पहुंचे, उनका इस्तकबाल होगा। आए हैं ऐसे बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे ओवर का खेल चलेगा। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए बिरवाड़ी की टीम। पहली मरतबा हमारे बानकोट में आई है। कल हम लगातार आपसे कह रहे थे कि हमारे बानकोट में जब आए तो सिर्फ क्रिकेट की नीयत से ना आए बल्कि यहाँ आप कले पर तशरीफ लाइएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा ओवर लेके कौन आते हैं। पहले ओवर में 13 रन बने। इस ग्राउंड पर बहुत रन है और इस ग्राउंड पर अगर अच्छे बॉलर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो वो दिखा दिया राहुल ओमकार ने कि आखिर दो ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च करके 5 विकेट हासिल की थी। आराधी के बल्लेबाज दो बेहतरीन बल्लेबाजों ने अच्छी ओपनिंग के बावजूद भी आखिरी दो ओवर में जो रन नहीं बने नतीजतन उनको शिकस्त से दोचार होना पड़ा। एक मजबूत और ताकतवर टीम आराधी को हम जानते हैं, हमने काफी लाइव मैचेस देखे हैं उनके, लेकिन कम से कम इस मैच में वो अपना वो परफॉर्म बरकरार नहीं रख पाए जिसके लिए वो मशहूर है। बिरवाड़ी की ओर से पहले ओवर में 13 रन बने। निंगरी के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, हमने देखा है निंगरी को बल्लेबाजी करते हुए। इस ग्राउंड पर पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने एक मैच में 5 ओवर के मैच में 90 रन उपयोग किए थे, 90 रन बनाए थे। वही निंगरी बिरवाड़ी के सामने। बॉलर का नाम प्रीतम, कौन बॉलर बोला? फहद आया बॉलिंग के लिए। तो बैट्समैन तो यो है ना? नहीं मैं ना नाम सामना करने के तैयार है। बिरवाड़ी की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 13 रन बनाए पहले ओवर में। फहद ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेगा नईम को, बेहतरीन शॉट, हवा में गेंद जरूर है लेकिन शायद फील्डरों की पास से दूर और यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अंपायर नूरुल्लाह ने फिजा में अपनी उंगलियां बुलंद करके इस बात का इशारा दिया कि ये 6 रन हासिल कर चुके हैं। नईम अलग प्लेयर ना लेके आए, बहुत अच्छे टूर्नामेंट ये रखा गया है, विलेज टू विलेज है। कोई भी टीम के मैनेजमेंट वाले किसी भी टीम के कैप्टन से ये गुजारिश है कि वो अलग गांव के खिलाड़ी को ना लाए, और अगर वो लाए हैं और अगर किसी ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपको आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो जाएगा। इस बीच फहद है बॉलर, गेंद करेंगे नईम को और एक मरतबा फिर नईम के बल्ले से ऊंचा जरहाना शॉट। इस मरतबा फिर पटकी हुई गेंद का पूरा फायदा उठाया और अंपायर नूरुल्लाह की उंगलियां फिजा में बुलंद हुई। दो गेंदों पर दो जरहाना शॉट, दो छक्के लगाए हैं। क्या बैटिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन बनाए थे और बहुत ही सोच समझ कर बैटिंग की थी। और नईम ने अपने पहली गेंद पर जब जो कॉन्फिडेंस दिखाया था रिवर्स शॉट खेलकर, यकीनन कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की, रिस्क लेने की, और बताया उन्होंने कि बेहतरीन बल्लेबाज है ये। इस बीच फहद ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे। गेंद की नींद और ये गेंद यकीनन वाइट जरूर होगी इसलिए कि लेग स्टंप को छूते हुए गेंद बाहर की तरफ निकल गई और इस गेंद पर एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन आया। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, तेज स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 26 रन। निगड़ी के पास भी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे फील्डर है, देखना है वो कितने रनों तक रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस बीच बैटिंग कर रहे हैं यकीनन काबिले तारीफ, बेहतरीन बैटिंग, दो गेंदों में दो छक्के लगा चुके नईम, सामना करने के तैयार। और इस मरतबा फिर उसी तरह का शॉट है और ये यकीनन पटकी हुई गेंद, लगातार गेंदों को पटक रहे हैं और लगातार नईम इन पटकी हुई गेंदों का पूरा फायदा रहे। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। अताउल्लाह खान अपनी टीम को भेजने के लिए शुक्रिया हमारे ग्राउंड पर। अगर हमारे यूट्यूब पर आवाज आप सुन रहे हो यकीनन आप अपना मैच जरूर देख रहे हैं। खैर से बेहतरीन परफॉर्म कर रही है आपकी टीम, क्या ही बैटिंग अच्छी कर रही है, बेहतरीन बैटिंग। फहद एक निंगड़ी की तरफ से बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे कम से कम इस ओवर में। पटकी हुई गेंदों पर बेहतरीन शॉट, अच्छे स्ट्रोक लगाए और 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के हासिल किए।
एक बार दोबारा फिर फैद गेंद करेंगे नहीं इनको सफल होकर आ गया है ऊंचा खेला है फिर यह चौथी गेंद पर चौथा छक्का होगा क्या बैटिंग कर रहे हैं आप देखिए देखिए क्रिकेट इसको कहते हैं हमारे पास कोकण में बेहतरीन बल्लेबाज बेहतरीन गेंदबाज और इस बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पीड रखने वाले चार गेंदों पर मुसलसल चार चौके आए छक्के आए हैं क्या ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नईम फहद जैसे बॉलर को उन्होंने लगातार चार गेंदों पर चार इस ग्राउंड पर अभी तक हमारे टूर्नामेंट में शायद छह गेंदों पर छह छक्के नहीं आए हैं और इस टूर्नामेंट में भी चार छक्के नहीं आए थे जो काम कर दिखाया नईम ने बहुत तेजी के साथ आगे निकलता है स्कोर एक बार दबा फिर फहद फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश की ये अच्छी गेंद ये अच्छी गेंद अब ये वापस हुआ अब सीवीएम कहेंगे आपने इस गेंद पर काफी कंट्रोल रखा फुल टॉस बनाकर नईम ने इस गेंद को एक बार दबा फिर जोरदार खेलने की कोशिश की दूसरी ओवर का खेल चल रहा है स्कोर पहुंचा है दौड़ना शुरू किया फहद ने नईम के बल्ले से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा किया है और इस बीच बेहतरीन फील्डिंग की जिशान ने बाउंड्री लाइन पर और एक रन हासिल हो गया दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 39 हो गया है अच्छी बैटिंग जरूर की लेकिन फहद ने अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की कहा जाएगा बहुत अच्छे खेला और ये हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आप देख रहे हैं बोर्ड सुनील अडेलाव ने भी अपनी खिदमत पेश की है इस टूर्नामेंट के लिए और शाह बुरमल साहब ने भी अपनी खिदमत पेश की है बानकोट के मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब ने इस टूर्नामेंट को का इनेकाद किया है इस बीच नए बॉलर आए हैं तीसरा ये फहद खान है फहद ने पहले ओवर में ये दूसरे फहद है जिन्होंने पहले ओवर में फहद ने अपने 26 रन खर्च किए थे अब फहद खान आए हैं नेम देखना है तीसरे ओवर में बैटिंग के लिए किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बहुत खराब गेंद विकेट कीपर ने गेंद को रोकने में जरूर कामयाबी हासिल की यकीनन ये अगर एक विकेट कीपर नहीं रोकते तो बहुत ही मुश्किल हो सकता था कोई इशारा नहीं है अंपायर की तरफ से इस बीच फहद एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए हटके की गरज नहीं बॉल टच झेली थी मतलब बहुत अच्छी गेंद जोरदार खेलने की कोशिश की है नईम ने नईम ने चार छक्के जरूर लगाए लेकिन उसके बाद तीन डॉट गेंद खेली है नईम ने से पहले ओवर में चार जारहाना शॉट खेले थे और चार छक्के हासिल किए थे लेकिन उसके बाद निगड़ी के बॉलरों ने बेहतरीन वापसी की है आखिरी दो ओवर में फहद ने अच्छी गेंदबाजी की थी सिर्फ एक रन खर्च किया था और इस ओवर में फहद खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद थी हालांकि स्विंग होती हुई बाहर निकली और विकेट कीपर के पास बिल्कुल बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में गई बहुत अच्छी गेंद फहद खान की बेहतरीन निगड़ी की तरफ से वापसी हुई है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है पहले ओवर में 13 रन आए थे दूसरे ओवर में 26 रन आए इस ओवर में देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छा शॉट यह गेंद को फिर नहीं रोक पाएंगे नहीं इनके बल्ले से निकलने वाला देखना अंपायर का इशारा गेंद कवर के ऊपर से होते हुए 6 रन के लिए निकल गई यह पांचवा छक्का है नईम के बल्ले से आने वाला बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं नईम फहद खान की इस गेंद को बहुत अच्छी गेंद थी हालांकि लेकिन क्या अच्छा शॉट खेला है एक मरतबा फिर अच्छी गेंद लोअर गेंद थी ये धीरे से गेंद को फेंका था बल्लेबाज के लिए और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना नईम अच्छे बैट्समैन जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन हर गेंद पे कुछ कहते जरूर हैं अंपायर से स्कोर 45 45 रन बने तीसरे ओवर का खेल चल रहा है ये ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान है नईम अच्छा खेल जरूर रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है अपनी टीम के लिए अपने स्पोर्ट्समैन स्पीड को कायम रखिएगा बिद्रा ट्रांसपोर्ट मंसूर हजवाने जो है उनके भाई सत्तार हजवाने रफीक भाई हजवाने और रफीक भाई हजवाने उनका सबका शुक्रिया अदा करेंगे तमाम भाइयों का हम इकबाल भाई का कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगने वाला जो पानी है लियाकत भाई हजवाने लगने वाला जो पानी है उन्होंने अपने अब्बा के हक में उनके इशारे सवाब के लिए
पानी दिया है और उनका पूरे बनकोट वाले शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने अब्बा के सारे सवाब के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन पानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की और ये पानी जब जब लोगों को पिलाया जाएगा आपके अब्बा के लिए इशार होता रहेगा, इसलिए कि पानी के बारे में हदीस हमने पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहब ने पूछा था, या रसूलल्लाह मैं अपने अब्बा के वालिदा के हक में कुछ इशार करना चाहता हूँ, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पानी का कुआं खोदो, जब तक पानी लोग पीते रहेंगे दस्तियाब होते रहेंगे आपके अम्मी को उसका सवाब पहुँचता रहेगा। लिहाजा पानी बहुत ही बड़ी नेमत अल्लाह की जो इसहाक भाई हजवाने के मरहूम के हक में पानी दिया है। इस बीच ओवर के मुकम्मल होने के बाद फायद के तीसरे ओवर में कितने रन आए, तीन ओवर तीसरे ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किया है फायद ने, बहुत अच्छे फायद खाने बॉलिंग की वापस, बहुत वापस अच्छी वापस हम कहेंगे, एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी टीम लेकिन और ये हवा में गेंद है, फील्डर दो दो गेंद के नीचे आए हैं, एक रन बना दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, सिर्फ 5 गेंदे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा की गेंद नहीं आती है तो बिरवाड़ी के हाफिज अताउल्ला खान इस मैच को लाइव देख रहे हैं खेल से और अपनी टीम के बेहतर परफॉर्मेंस से काफी खुश भी हैं। अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर नहीं गेंद को रोक पाएगा, गेंद दो पैरों के दरमियान से तेजी के साथ निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा। जीशान खुश नहीं अपने फील्डर से, इस बार उनको गेंद रोकना था लेकिन काफी तेज शॉट था, आउटफील्ड बहुत फास्ट है, कोशिश जरूर की थी लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया बॉलर ने, गेंद कर रहे हैं अशफाक को और ये शॉट है, नहीं रोक पाएगा कोई फील्डर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए है, बहुत तेजी के साथ नो लॉस, दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की है यकीनन काबिले तारीफ है, बड़ी हिटें भी देखने में आई, ग्राउंड शॉट भी देखने में आए, जमीन से लगते हुए शॉट कुछ उन्होंने जमीन से बिल्कुल जिस तरह के किताबी शॉट होते हैं और क्रिकेट के खेल में हमने देखा है जब, और ये गेंद इस बीच देखना है और एक मरतबा ऊंचा खेला है, इस मरतबा पहली मरतबा विकेट के गिरने का खतरा है लेकिन पहुंच से दूर फील्डर के, एक रन बना दूसरे रन के लिए, दो रन बने और ये 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर 59। बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, सिर्फ तीसरा ओवर अच्छा रहा है जो फहद खान ने किया था, अपने ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, 59 60 रनों के आसपास पहुंचने में कामयाब हुए हैं। फील्डर दौड़ना शुरू किया बॉलर ने, ऊंचा खेला फील्डर के पहुंच से दूर और इस गेंद पर भी शायद देखना है अंपायर के इशारे के अंदर फिजा में उंगली बुलंद हो गई और ये 6 रन हासिल हो गए, बहुत बड़ा स्कोर है लेकिन निगड़ी के बल्लेबाज ये स्कोर उबोर करने की सलाहियत रखते हैं, बिरवाड़ी के बॉलर किस तरह के हैं बॉलिंग करते हुए देखना होगा लेकिन निगड़ी के पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और इस बीच दौड़ना शुरू किया शोएब, गेंद करेंगे, आ खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, हवा में खेला है कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, वन बाउंस, 4 रन हासिल हो गए बगैर किसी विकेट के नुकसान के, बिरवाड़ी ने 69 और जीत के लिए 70 रनों का बड़ा हदफ दिया है 4 ओवर में, दोनों बल्लेबाज विकेट के जाये किए बगैर अपनी टीम के लिए, दोनों बल्लेबाजों के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, यकीनन हम दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बैटिंग की अपनी टीम के लिए, कमेंट्री बॉक्स में जितने लोग बैठे हैं दोनों बल्लेबाजों का इस्तकबाल कीजिए अपने तालियों से, यकीनन बेहतरीन बैट अशफाक और नईम, क्या अच्छी बैटिंग की है, एक ने नईम ने बनाया मेरे ख्याल में स्कोर और बता रहे हैं कितने, नईम ने 34 रन बनाया और नट आउट रहे जबकि 30 रन बनाए अशफाक ने और जीत के लिए हदफ दिया 70 रनों का बड़ा हदफ, और नईम ने इस दरमियान 5 छक्के लगाए, हमें स्कोर और बता रहे हैं, तुम तनाव
हमें यहाँ बता रहे हैं हमें कि पांच छक्के लगाए थे, स्कोर हमें यहाँ बता रहे हैं हमें, और अशफाक ने तीन चौके और दो छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की थी और अपने टीम को बगैर किसी नुकसान के 70 रनों के हदफ तक ले जाने में कामयाब हो गए। मंसूबा हजवाने मित्रा ट्रांसपोर्ट वाले, यकीन उन्होंने भी काफी खिदमत दी है। जमीर भाई नारकर हमारे सामने से गुजर रहे हैं, वो भी काफी वक्त दे रहे हैं अपना क्रिकेट के लिए और अपने बच्चों के लिए। इस मैच का फर्स्ट प्राइज दिया है नासिर भाई दादरकर ने और अपना पूरा वक्त भी देते हैं। उन्होंने 35,000 रुपए का जो पहला इनाम जो रखा है वो नासिर भाई दादरकर बच्चों के लिए, जब भी किसी चीज की जरूरत होती है, जब जब क्रिकेट के ताल्लुक से या किसी भी खेल के ताल्लुक से भानकोट को जिस जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त में वो पैसे से भी और अपने वक्त से भी मदद करते हैं। पिछले टूर्नामेंट में और उससे पिछले टूर्नामेंट में भी अलंकार का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भानकोट की तरफ से उस टूर्नामेंट में आए थे हमारे गुलाम प्रकाश साहब, और गुलाम प्रकाश साहब को हमने कमेंट्री में सुना था और टीवी मैच में भी देखा था कि हमारे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करने के लिए आते थे, और हमारे कोकन के बेहतरीन सुपुत्र रहे, उन्होंने कई टेस्ट मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और जब सुनील गावस्कर खेला करते थे तो उस वक्त ओपनर के हिस्से से उनके साथ देने के लिए गुलाम बरकार आते थे, विश्वनाथ गंडप्पा, विश्वनाथ चेतन चौहान, दिलीप वेंगसरकर सर, वेंगसरकर सर, और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी। गावस्कर के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप कौन से मैच में निकालो जरा, एक बड़ी पार्टनरशिप की थी हमारे कोकण के सुपुत्र ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर सर के साथ में, जो 421 रनों की पार्टनरशिप की थी ओपनिंग बैटिंग के लिए गुलाम प्रकाश साहब ने। आप अंदाजा लगा सकते कितने पाए के बल्लेबाज रहे होंगे, पहला टेस्ट मैच खेले थे लॉर्ड्स में उन्होंने 4000 रन के एवरेज से उन्होंने 46 रन बनाए थे, 46 के एवरेज से उन्होंने 4000 रन बनाए थे, और वो ओपनर के हैसियत से आते थे, वो पिछले टूर्नामेंट में हमारे यहाँ तशरीफ फरमा थे, और उनके और बेस्ट फील्डर अवार्ड भी मिला शारजा में एशियन ट्रॉफी में, एशियन ट्रॉफी में उनको बेस्ट फील्डर अवार्ड भी मिल चुका है, और भानकोट के खिलाड़ी भानकोट के लोगों को यह शर्फ हासिल है कि उन्होंने अपने इस खिलाड़ी के इस्तकबाल भी किया और उनको इस अपने टूर्नामेंट में लाकर उनकी शोभा बढ़ाई। इस बीच खेल शुरू होने जा रहा है, 1983 और 84 का मैच गुवाहाटी में जो हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच है, और उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी गुलाम प्रकाश साहब रहे थे। इस बीच आदिल है शायद बॉलर, जिशान है हार्ड हिटर, उनके टीम को 70 रनों का हदफ है, वो पहले मैच से कोशिश करेंगे पावर प्ले के। जिशान को आदिल खेला है, नहीं रोकना है, देखना फील्डर गेंद के नीचे है, नहीं रोक पाए, जल्द आउटफील्ड खासा फास्ट है, वो समझ रहे थे उस चीज को, जिशान के बल्ले से निकलने वाली पहली बाउंड्री, अच्छी गेंद नहीं थी, पूरा मौका था बल्लेबाज के पास, आदिल की गेंद को खेला है, हमने कहा है लगातार आपसे कि निगड़ी के पास सलाहियत है, वो यहाँ से जाना है निगड़ी के बल्लेबाजों को, कहा है उनके बल्लेबाज, यहाँ से आप क्रिकेट के ग्राउंड पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में, इसलिए के नाम के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। एक मरतबा फिर आदिल ने दौड़ना शुरू किया, जिशान को पहली गेंद पे बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए थे, इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इस बीच जो वाइड करार दिया अंपायर ने, इसलिए बल्ले के पहुंच से बल्लेबाज के पहुंच से दूर गेंद निकल गई थी, एक्स्ट्रा की सूरत में एक रन आया, 70 रनों का एक बड़ा हदफ जरूर है, लेकिन देखना है आदिल अपनी टीम के लिए जो बल्लेबाजों ने मेहनत की थी उस मेहनत को बचाने में कहां तक कामयाब होते हैं। आदिल गेंद करेंगे जिशान को, अच्छी गेंद बल्ले के और विकेट के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गई है, और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। आदिल काफी नॉन स्टॉप पर बॉलर, बैट्समैन कौन है इनका नाम बताएं, सकलेन, यह हया बैठो हशीजा, सकलेन है नॉन स्टॉप पे, भाई हमको यूट्यूब लाइव मैच दिखाना है, आपके खिलाड़ी का नाम बताते रहिएगा, यहां से जाइए। इस बीच आदिल है बॉलर,
गेंद करेंगे जिशान को, अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद में काफी स्विंग हासिल कर रहे हैं, हवा का रुख हमें मैनेजमेंट की तरफ से इमरान कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए खेल रोकें, वहां निगरी के तमाम बल्लेबाजों को यहां से जाना है, उनको यहां बुलाया खेल के लिए ग्राउंड पे जाने के लिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको बुलाने से। अच्छा ठीक है, इस बीच आदिल दौड़ना शुरू किया, गेम शुरू होने जा रहा है, एक मरतबा फिर आदिल गेंद करेंगे जिशान को, ऊंचा शॉट खेला है, दूर रख पाएगा कोई फील्डर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए, जिशान के बल्ले से इस ओवर में 2 बेहतरीन शॉट आए हैं, बॉल कितने 4 बॉल 11 रन 11 रन बने हैं, यही इसी तरह की शुरुआत किए थे बिरवाडी ने और अपने पहले ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए थे बिरवाडी ने, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, एक ओवर में फैद के 26 रन बनाए थे, वो बड़ा बहुत बड़ा ओवर था। हवा चल रही है, बल्लेबाजों को मदद करती है, इस बीच आदिल से बड़ी उम्मीदें होगी, आदिल अच्छी गेंद, एक बार दोबारा फिर गेंद फील्डर के पास आ रही है, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर गेंद तक, और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर निकल गई, जिशान के बल्ले से निकलने वाला ये जोरदार हिट, 2 गेंदों पर 2 चौके छक्के लगाए और एक चौका भी आया इस ओवर में, काफी तेजी के साथ स्कोर आगे चल रहा है, 70 रनों का बड़ा हदफ निगड़ी की तरफ से, जिशान उसी तरह के शुरुआत दे रहे हैं, हमारे स्कोरर उमेश नाड़कर साहब बता रहे हैं कि टूर्नामेंट के 50 छक्के पूरे हो चुके, फिर एक बार आदिल बॉलिंग मार्ग पे, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट को क्रॉस किया, खराब गेंद, थर्ड मैन की दिशा में खेला जिशान ने, एक रन आसानी से चुरा लिया, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों का, एक ओवर के इख्तिताम पे टीम का स्कोर है 18 रन, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत करते हुए जिशान टीम के लिए, सलामी के गेंदबाज बिरवाड़ी की तरफ से, आतिश राइट आर्म, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, पहली बार सामना करेंगे जिशान आतिश का, अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में, अच्छा रन खड़ा कर पाए थे, पावर प्ले का अच्छा फायदा उठा पाए थे, देखना अभी क्या करते हैं जिशान, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे जिशान के लिए, पहली गेंद, एक रन, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों का, पहली गेंद पे सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेट किया, अब स्ट्राइक पकड़ेंगे सकलेन, सकलेन को भी साथ देना होगा जिशान का, अगर अपनी टीम को जिताने होगा तो बड़े हिट लगाने होंगे, 70 रनों का हदफ है, फिर एक बार आतिश सकलेन के लिए, रन अप में चुकते हुए अंपायर का इशारा, डेड गेंद, फिर एक बार आतिश सकलेन के लिए, अंपायर को क्रॉस किया, विक्टर को क्रॉस किया, उठा के खेला वो शॉट, फील्डर मौजूद, कैच का मौका हो सकता है, और ये खराब फील्डिंग, कैच छोड़ते हुए आसान कैच, खराब फील्डिंग का मुजाहरा बिरवाड़ी के जानिब से, आसान सा कैच था, लपकने में नाकामयाब फील्डर, फिर एक बार
आतिश जिशान के लिए। अलोंग द कार्पेट केला वाला शॉट और बेहतरीन फील्डिंग वापसी करते हुए यहाँ पे यकीनन गैप में जाती हुई गेंद पर अपने टीम के लिए दो रन बचे हैं यहाँ पे। इसके पहले की गेंद पे आसान कैच छोड़ा था पर अब अपना 100% देके गेंद रोका। अब यहाँ ये ना यहाँ से नजर इसको क्या आसान पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफी लंबा रन ऑफ उछलती हुई गेंद अंपायर का इशारा नो का यहाँ पर अंपायर नूरुल्ला परकार बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतने ही खूबसूरत क्रिकेट शायकीन यहाँ पर मौजूद जो बड़े लगन से इस मैच को देखने के लिए और पूरे टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर हाजिर रहते हैं। बड़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, देखना है क्या होता है। और फील्डर से एक कदम गेंद पहले गिरते हुए वहां पर और दौड़ करके दो रन मुकम्मल कर लिया और दो रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 25 रन। बिना किसी विकेट के स्कोर अभी जा पहुंचा है 25 रन और जीतने के लिए 70 रनों का हदफ दिया गया है, टारगेट दिया गया है। देखना है फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद थी वहां पर, समझ नहीं सके, इनसाइड एज लगता हुआ वहां पर। दूसरा फील्डर निकल चुका है नॉन स्ट्राइक का, देखना है यहां पर, लेकिन बच गए हैं, सही वक्त पर अपनी जगह पर आ गए हैं और स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन धूप खिली हुई यहां पर, क्रिकेट के लिए बिल्कुल बेहतरीन और बहुत अच्छा मौसम। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और अच्छी गेंद थी वहां पर, बेहतरीन गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा काफी ऑस्टम के बाहर गेंद गई और अंपायर का इशारा वाइट। इसी वाइट के साथ स्कोर के अंदर एक रन की बढ़ोतरी होती हुई और स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। फिर से बॉलर तैयार, कैप्टन अपने फील्डिंग को सजाते हुए यहां पर, देखना है इस अच्छी गेंद थी यहां पर और फिर से बीट किया यहां पर बल्लेबाज को और देखना है अंपायर का इशारा आना अभी भी बाकी और यहां पर शायद विकेट यहां पर गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ यहां पर और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 26 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बानकोट मोहम्मद दिया की तरफ से इस बड़े टूर्नामेंट का यहां पर इनेकात किया गया हो, बड़ा टूर्नामेंट यहां पर जिसके लिए फर्स्ट प्राइज है 35,000 रुपए जो आया है नासिर भाई दादर कर इनके जानिब से, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सेकंड प्राइज जिसकी मनी है 17,000 रुपए जो आया है सोनी लड्डू भाई ज्वेलर्स की तरफ से, हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थर्ड प्राइज की रकम जो आई है 7,000 रुपए वह है अर्शीन रफीक गजाले की तरफ से, हम इनका भी बहुत बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहां पर मैच फिर से शुरू, देखना है क्या होता है। जीतने के लिए 70 रनों का टारगेट दिया गया है, दोनों टीमें काफी मुस्तैद है, अपने अपने इलाके की मानी जानी टीमें बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का मुजाहरा होता हुआ यहां पर। हल्का हल्का सनानप यहां पर बॉलर का सामना करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मार दिया उसको, सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई, देखना क्या होता है। और इसी का अंजाम सीधा 6 रन के लिए इस गेंद को पहुंचा दिया और 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए उठा करके सीधा घुमा दिया था और बॉल को पहुंचा दिया था जिसके अंदर हवा ने भी उनका साथ दिया, हवा भी बिल्कुल उसी दिशा में चलती हुई जिस दिशा में उन्होंने गेंद को ऊपर उठा दिया था। फिर से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज उठा करके मारने की कोशिश, बीट किया हल्का सा वहां पर शायद किनारा लगता हुआ लेकिन कलेक्ट नहीं हो सका विकेट कीपर के और स्कोर अभी रुका हुआ है 32 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर।
बिरवाड़ी और निगड़ी के दरमियान में ये मुकाबला खूबसूरत मुकाबला होता हुआ फिर से उठा करके मारने की कोशिश लेकिन बीट किया और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 32 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। नाइफ मोटर की तरफ से यहां पर इस टूर्नामेंट का इनेकाद, मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहां पर जहीर इब्राहिम परकार की तरफ से एक इनाम आया हुआ है। फिर से उठा करके मारने की कोशिश लेकिन बीट किया, काफी बाहर थी गेंद, कलेक्ट होती तो शायद बाहर जा सकती थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 32 रन के ऊपर एक विकेट के नुकसान के ऊपर। निगड़ी की टीम यहां पर बैटिंग बल्लेबाजी करते हुए उठा करके मार दिया बेहतरीन शॉट और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया शॉट के ऊपर 6 रन और इसी 6 रन के साथ अपने टीम का स्कोर भी पहुंचा दिया है 38 रन के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर के अंदर, दूसरा छक्का और गगनचुंबी छक्का आता हुआ यहां पर, फिर से उठा करके मार दिया हेलीकॉप्टर शॉट और देखना उसका अंजाम क्या होता है। सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक टप खाते हुए गेंद सीधा 4 रनों के लिए पहुंच गई है और स्कोर भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की समाप्ति यहां पर नासिर दादरकर साहब यहां पर ऑन द वे है, हम उनका वेलकम करते हैं। स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, 6 गेंदों के अंदर 28 रन की जरूरत जीतने के लिए, 6 गेंदों के अंदर 28 रन, 6 बॉल एंड 28 रन, 6 गेंदों के अंदर 28 रन की जरूरत, देखना है निर्णायक ओवर साबित हो सकता है। ये अपनी टीम की तरफ से कौन लेकर आते हैं बल्लेबाजी के लिए, दोनों भी धाकर बल्लेबाज वहां पर के मौजूद। जीतना है तो अपना 100% एफर्ट दोनों भी टीमों को देना होगा, बल्लेबाजों को भी और गेंदबाज को भी। करो या मरो की सिचुएशन के अंदर यह मुकाबला पहुंचा हुआ है यहां पर, 6 गेंदों के अंदर 28 रन की जरूरत। जिसने अभी तक के 2 छक्के लगाए हैं वो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। फिर से यहां पर नासिर भाई दादरकर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके साथ जितने भी लोग आए हैं हम उनका भी तहे दिल से यहां पर क्रिकेट, इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं उनको। आप आए हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर, खुदा की कुदरत है कभी हम आपको कभी अपने ग्राउंड को देखते हैं। मौलाना लतीफ साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उनको। 6 गेंदों के अंदर 28 रनों की जरूरत। बॉलर है सोहेल, बैटिंग के लिए तैयार बैट्समैन। पहली गेंद और बॉल, क्लीन बॉल कर दिया है बिल्कुल अंपायर का इशारा, और बेहतरीन गेंद थी, समझ नहीं सके और बल्ले और गेंद का कोई भी संबंध नहीं हुआ, गेंद सीधे स्टंप को जा लगी और दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर निगड़ी को। 5 गेंदों के अंदर अभी भी 28 रन की जरूरत। बैटर नेम इफ्तिखार मंडनगढ़ के कैप्टन, जहां कहीं भी हो उनसे गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। मंडनगढ़ के कैप्टन, 5 गेंदों के अंदर अभी भी 28 रनों की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर यहां पर विकेट मिलती हुई निगड़ी की, दूसरी विकेट गिरती हुई, दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर बिरवाड़ी के बेहतरीन गेंदबाज सोहेल। अभी भी 5 गेंदों के अंदर 28 रनों की जरूरत, कोई मुश्किल तो है नहीं आज के T20 के दौर में, लेकिन देखना है, लग भी उसके लिए जरूरी है। सिर्फ यहां पर जितने भी मेहमान, जितने भी शायकीन, जितने भी नाजरीन आए हैं, हम उनका यहां पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं। इतनी खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर, इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप हिस्सा बने हैं। दूसरी गेंद थी, समझ नहीं सके वहां पर, जोरदार अपील वहां पर, लेकिन अंपायर पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं और दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। जीतने के लिए अभी भी रोशन मंडनगढ़ के कैप्टन, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के अंदर आ जाए। रोशन वाईफाई के लिए हमारे रिजवान भाई ने मदद की, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से
हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइट और इसी एक और वाइट के साथ एक रन का यहां पर इजाफा होता हुआ स्कोर के अंदर और स्कोर जा पहुंचा है 44 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 26 रनों की जरूरत है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर सोहेल फिर से तैयार अपने रन अप पर। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन बीट किया बल्लेबाज को। वहां पर वही बल्लेबाज है जिन्होंने इससे पहले ओवर के अंदर दो छक्के लगाए थे और अभी खामोश, अभी तक के बिल्कुल खामोश रखा है बल्लेबाज को। सोहेल की बेहतरीन गेंदबाजी, अपने हाइट का फायदा उठाते हुए सोहेल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, उनको पता है कि अगर इस मैच को जीतना है तो करो या मरो की सिचुएशन है और जीतना होगा तो इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई समंदर के किनारे पर यह खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड जो अपने आप में एक बेहतरीन मंजर रखता है, बेहतरीन नजारा रखता है। फिर से सोहेल हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई भी संबंध नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर, स्कोर अभी भी रुका हुआ 44 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। जो टीमें खेल रही है निगड़ी और बिरवाड़ी की टीम, फिर से अच्छी गेंद उठा करके मार दिया है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया है और हवा का भी साथ मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50 रन 50 मुकम्मल कर लिया अपनी टीम की तरफ से। टाइट टेबल फॉर द पार्ट ऑफ मुंबई अपोलो बॉन्डर 2022। फिर से फुल टॉस गेंद, उसको उठा करके मार दिया है फील्डर, उसके नीचे मौजूद, देखना है क्या लिख कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन फील्डर से काफी दूर गेंद गिरती हुई, दौड़ करके दौड़ना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं लिए, उनको पता है कि अब तो मैच नामुमकिन है और इसी के साथ में बिरवाड़ी ने इस मैच को अपने नाम 19 रनों से अपने नाम कर लिया है। अभी इसके बाद होने वाला राउंड बिरवाड़ी वर्सेस मंडनगढ़, दोनों भी कैप्टन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी टॉस करवा ले। नासिर भाई दादरकर साहब सीकिंग, हम उनका भी बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद कहते हैं उनको कि आप इस मैच का टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं, आप आए हैं, आपकी वजह से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिरवाड़ी के कैप्टन टॉस के लिए जल्दी से आ जाए, आपका सेकंड राउंड यहां पर खिलाया जा रहा है, बिरवाड़ी के कैप्टन प्लीज कोऑपरेट करें जल्दी से। और मंडनगढ़ के कैप्टन बिल्कुल यहां पर मौजूद, दोनों अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद, हमारे सीटिंग के नासिर दादरकर साहब, उनके साथ दादरकर फैमिली के जितने भी मेंबर आना है, हम उनका बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अभी होने वाला राउंड मंडनगढ़ और बिरवाड़ी, बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज देते हुए यहां पर अनवर धनशे साहब और नूरुल्ला परकर साहब, अभी तक के और हर टूर्नामेंट में देखा हूं उनको, बिल्कुल अपने दिलो जान से दोनों भी मेहनत करते हैं यहां पर। अभी इस मुकाबले के लिए जो अंपायरिंग करेंगे वो आसिफ भाई और शादाब हसवारे और अजहर। जी अंपायर टॉस हो गए, अभी होने वाला सेकंड राउंड है बिरवाड़ी वर्सेस मंडनगढ़, दोनों के दरमियान में टॉस, दोनों भी अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद।
अंपायर से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी टॉस करवा के ले। मंडनगढ़ और बिरवाड़ी, मंडनगढ़ के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, बिरवाड़ी के कैप्टन से भी गुजारिश है कि प्लीज जल्दी से जल्दी कोऑपरेट करें मैनेजमेंट को। प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस टूर्नामेंट को बहुत आगे तक के लेकर जाना है। दाऊद चरफरे साहब यहां पर टॉस करते हुए, दोनों भी कैप्टन यहां पर मौजूद। दाऊद चरफरे साहब के हाथों से इस मैच का टॉस होता हुआ बिरवाड़ी वर्सेस मंडनगढ़ के दरमियान में सेकंड राउंड के लिए मुकाबला होता हुआ। दाऊद चरफरे साहब यहां पर टॉस के लिए, और दोनों कैप्टन से गुजारिश है, दोनों अंपायर से गुजारिश है कि आ जाए और जल्दी से टॉस करके ले। अगर अड़खल की टीम आ गई हो, अजहर अड़खल की टीम अगर आ गई हो तो उनके प्लेइंग 11 यहां पर आकर बता दे जरा प्लीज। बिरवाड़ी और मंडनगढ़ के दरमियान में टॉस होता हुआ, दाऊद भाई चरफरे इनके हाथों से टॉस होता हुआ, देखना है कौन जीतता है, किसका लक अच्छा रहता है। और यहां पर बिरवाड़ी ने टॉस जीता है। बिरवाड़ी ने टॉस जीता है, टॉस जीत करके अभी तक के कोई फैसला नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि वो अपना फैसला बताते, फील्डिंग करने का फैसला ले लिया है। बेहतरीन